आपको हमारे YouTube चैनल में। तो चलिए इस वीडियो में देखेंगे क्लास 9 का अक्टूबर महीना का मासिक जांच परीक्षा का जो क्वेश्चन आया उसका सॉल्यूशन। ठीक है, झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची यानी JCERT रांची द्वारा मासिक जांच परीक्षा का क्वेश्चन आया है 9 क्लास का। इसमें देखते हैं इंग्लिश और अर्थशास्त्र का इस बार एग्जाम अक्टूबर महीना में। ठीक है, हर महीना सब्जेक्ट वाइज एग्जाम अब होगा, है ना। तो दो सब्जेक्ट का इस महीना एग्जाम है, इंग्लिश और अर्थशास्त्र का। तो इंग्लिश का अभी सॉल्यूशन बता दे रहे हैं, अर्थशास्त्र का शाम तक मिल जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए ये 2 घंटा का समय रहे, 40 नंबर का क्वेश्चन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जल्दी फटाफट इस सबका आंसर बताते हैं। ये पैसेज पहला नंबर में है, 10 नंबर का क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, तो पैसेज को पढ़ लीजिएगा, हम आंसर पे आते हैं डायरेक्ट। ठीक है, व्हाई वाज रुपेश फादर वेटिंग फॉर हिज सन टू गेट बैक फ्रॉम द स्कूल। स्कूल से आने के लिए वेट कर रहा था उसका बाप फादर, क्यों? तो क्योंकि रिजल्ट था उस दिन, है ना। तो ही वॉज वेटिंग फॉर द रिजल्ट ऑफ हिज सन, सी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, दूसरा नंबर है व्हाई वाज रुपेश विजिबली अपसेट, मैंने अपसेट क्यों था? तो अपसेट इसलिए था क्योंकि उसका रिजल्ट खराब हुआ था, ही हैड स्कोर पुअर ग्रेड इन एग्जाम, है ना, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, ए नंबर। व्हाट अकॉर्डिंग टू हिज फादर वेयर नोट द रीजन ऑफ रुपेश स्कोरिंग पुअर ग्रेड इन एग्जाम, एग्जाम में कम नंबर लाने का क्या कारण नहीं था उसके पिता के अनुसार? स्पेंड टू मच टाइम इन मोबाइल फोन, ये कारण था, सफरिंग इंटरनेट, ये कारण था, और लास्ट टीवी चैनल देखता था, ये कारण था, लेकिन ये कारण नहीं था। तो इसका सही होगा सी नंबर। ठीक है, ही प्लेड हॉल डे विथ हिज फ्रेंड, ये कारण नहीं था, ये सी नंबर ऑप्शन होगा इसका सही। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज द रिएक्शन ऑफ रुपेश फादर टेल अबाउट हिम, रिएक्शन क्या था? तो उसका रिएक्शन जो था बहुत ज़्यादा कूल भी नहीं था, ये होगा। देखिए, ही इज माइंडफुल ऑफ इच एक्टिविटी ऑफ, मतलब उसका बेटा क्या दिन भर में करता है सबको उसका ये था, है ना, तो अच्छा उसका ध्यान रखता, तो ये हो गया डी नंबर इसका ऑप्शन। व्हाट डज द वर्ड रिबकिंग इन द पैसेज मीन्स, इसका मतलब है स्पीक एंग्रीली, मैंने गुस्सा से बोल रहा, है ना। 5वां नंबर फिल इन द ब्लैंक्स है, अगला नंबर फिल इन द ब्लैंक्स, तो इसका 6ठा नंबर द अर्थ खाली स्थान अराउंड द सन, तो द अर्थ क्या होगा, रिवॉल्व्स अराउंड द सन, है ना, रिवॉल्व्स। अगला इट खाली स्थान नाउ, इट इज रेनिंग नाउ, है ना, इट इज रेनिंग नाउ, बी नंबर ऑप्शन सही होगा इसका। उसके बाद 8वां नंबर मिस्टर सिन्हा खाली स्थान टीचिंग साइंस सिंस 2012, द हैज बीन टीचिंग होगा यहाँ पे सी नंबर इसका ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, नेहा एंड स्नेहा खाली स्थान इन द सेम क्लास, तो दोनों पढ़ते हैं सेम क्लास में, तो क्या होगा, स्टडिंग इन सेम क्लास, सी नंबर इसका भी। 10वां नंबर है माई पेरेंट्स खाली स्थान जस्ट डैश फ्रॉम द मार्केट, तो 10वां नंबर का यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर, है ना, द माई पेरेंट्स, पेरेंट्स इस लगल है, मैंने आर लगेगा, जस्ट रिटर्निंग फ्रॉम द मार्केट, ये सी नंबर इसका भी। उसके बाद शॉर्ट आंसर देखिए क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर वाला, वाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग फॉर द पंगे, तो ये सब क्वेश्चन जो है ना इसका आंसर यहाँ पे तो संभव नहीं, इसका आंसर दिखा दे रहे हैं ना, क्वेश्चन तो होगा ही आपके पास, क्वेश्चन देख लीजिएगा, हम डायरेक्ट इसका आंसर मारते हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन है, इसका कोई आंसर दिखाते हैं, आंसर मारते हैं। ये देखिए पहला का आंसर जो यानी 11 नंबर का आंसर है ना, औरंगजेब का जो क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था, व्हाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ पंगे, क्यों बैन लगाया, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, क्वालिटी बढ़ा लीजिए अगर ना दिख रहा हो तो। ये 11 नंबर का आंसर हो गया। 12 नंबर का आंसर देखते हैं, तो ये रहा क्वेश्चन क्या था, व्हाई डज द पोएट लाइक टू डू व्हेन इट रेन, मन बारिश में क्या करना पसंद करता है, तो उसका आंसर है व्हेन इट रेन द पोएट वांट टू लाई ऑन बेड इन द कॉटेज एंड लिसन टू पीटी पीटी साउंड ऑफ रेन, पीटी पीटी जो बारिश की आवाज़ है उसको सुनना पसंद करता था। अगला, वाई वाज केजिया अफेयर फॉर ऑफ हर फादर, केजिया वाज अफेयर ऑफ हर फादर बिकॉज ही यूज टू टॉक
टू हर हार्शली ही वॉज इन ए हैबिट ऑफ फाइंडिंग आउट हर मिस्टेक्स। ये आंसर हो गया इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बच्चा क्वेश्चन क्या था, वेयर डज द बेबी गेट लॉस्ट, व्हाट इज हिज लास्ट विश, बच्चा कहाँ खो गया था। तो बच्चा मेले में खो गया था, उसका लास्ट विश था पेरेंट पास पहुँचना, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे बना लीजिए, द लॉस्ट चाइल्ड लूजेज इंटरेस्ट इन थिंग दैट ही हैड वांटेड अर्लियर बिकॉज द ओनली थिंग दैट ही वांट एट द मोमेंट इज हिज पेरेंट्स, मतलब उसका माता पिता खोज रहे थे वहाँ पर। ही इज पैनिक स्ट्रिकन एंड ही जस्ट वॉन्ट टू बी अंटिल विद देम। तो एक लाइन और इसमें जोड़ दीजिएगा, कहाँ खोया, वेयर डज द बॉय गेट लॉस्ट, द बॉयज गेट लॉस्ट इन फेयर, फेयर मतलब मेले में खोल, ठीक है। उसके बाद इसको लिखिएगा, तो ये स्क्रीन शॉट ले लीजिए इसका, ये लिख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कौन था, अगला तीन नंबरी क्वेश्चन है, हाँ थोड़ा लॉन्ग इससे। वाई वॉज मैरिज मार्जी मार्गी डूइंग बैडली इन जोग्राफी, व्हाट डिड द कंट्री इंस्पेक्टर टू डू हेल्प हर। तो इसका आंसर हो गया ये, देखिए स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ठीक है, पढ़ते नहीं रहे इंग्लिश, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, टाइम नहीं है, जल्दी पार कर दे रहे। देखिए अगला क्वेश्चन ये है, ठीक है, डिड द पोएट मेक द राइट चॉइस, इस तरह थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है यही क्वेश्चन वहाँ पे। तो उसका आंसर है ये, आंसर लिखिए, इट इज नॉट इजी टू से वेदर द पोएट मेड द राइट चॉइस और नॉट, ही हिमसेल्फ कुड नॉट रीच टू एनी सच कंक्लूजन, इट इज पॉसिबल दैट ही मे रिपेंट फॉर मेकिंग सच ए चॉइस, ही अवॉइडेड द पॉपुलर एंड ऑफ बीटेन पाथ ऑफ लाइफ, ही डेयर टू चूज द पाथ विच वॉज लेस फ्रिक्वेंटेड यूजेज बाय द पीपुल, ही बोर्न दिस बोल्ड डिस्कशन माइट ब्रिंग ऑल द डिफरेंस इन ही लाइफ। तो ये इसका स्क्रीन शॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन टूटू, यहाँ क्वेश्चन नहीं है, देखा पढ़ रहे रुकी। वाई डज टूटू कम टू ग्रैंड फादर प्राइवेट जू, प्राइवेट जू ग्रैंड फादर का प्राइवेट जू में टूटू क्यों आया था, तो बंदरा का नाम था टूटू, है ना। तो ये इसका आंसर हो गया, इसका लिख लीजिएगा ये। अगला क्वेश्चन क्या था, व्हाट शुड वी डू टू मेक फ्रेंड विद द विंड, टू मेक फ्रेंड विद द विंड, द पोएट आस्क अस टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, ज्वाइन द डोर्स फर्मली एंड प्रैक्टिस टू मेक आवर बॉडी और हार्ट स्ट्रॉन्ग। तो ये हो गया। अगला, व्हाई डज कैजिया बिगिन टू सी हर फादर एज ए ह्यूमन बीइंग हु नीडेड हर सिंपथी। जिसका आंसर यहाँ पे आपको ये स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, ये ले लीजिए, इसमें पूरा आंसर आ गया इसमें, चलिए ले लीजिए स्क्रीन शॉट। आगे बढ़ते हैं, ये एक और क्वेश्चन क्या था, डिस्क्राइब द मिस्चीफ ऑफ टूटू इन योर वन वर्ड, टूटू के बारे में बताना था अपने को। तो ये टूटू के बारे में है, ये स्क्रीन शॉट ले लीजिए, आगे कर दे रही है, ठीक है। तो इतना ही क्वेश्चन था, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में जाइएगा, 6 to 10 आपको मैथ साइंस मिल जाएगा, है ना। अभी ये सब असाइनमेंट सबका भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो इसलिए कुछ दिन से क्लास नहीं ले पाए हैं, और बहुत जल्द क्लास स्टार्ट हो जाएगा। आज 9 क्लास का ज्योग्राफी का शाम तक मिल जाएगा, उसके बाद कल से क्लास स्टार्ट कर देंगे। कुछ कुछ चैप्टर बचा हुआ है 9 क्लास का, मैथ का भी और साइंस का भी एक दो चैप्टर है, तो उसको आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ज्योग्राफी इसका लेकर के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।